साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, अरे मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, अरे जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तुम रूठा ना करो मिर्जा, मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। अरे तुम रूठा ना करो मिर्जा, मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडिया बेस्ड दुबई प्लम्बर। साथियों, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को बजा कर रखिए। साथियों, आज का विषय बहुत मतलब हंसने वाला भी है और मस्त भी है कि कौन वो लोग ना आए दुबई। सोचने वाली बात है यार। मैं तो हमेशा कहता हूँ भाई दुबई आना चाहिए, कमाओ भाई अपने परिवार के लिए, लेकिन वो कौन लोग हैं जो दुबई ना आए। साथियों, मैं आपको सीधे बता रहा हूँ कि जो हालो हाय वाले हैं वो भाई हरगिज ना आए, जिन्हें जो मैं अभी गाना गाया ये गाना से रिलेटेड जो भी लोग हैं वो ना आए। जो सुबह 4 बजे से सिर्फ बात करना जानते हैं, 4 बजे से लेकर शाम को दम कितने बजे तक मालूम नहीं होता है, तो लो भाई बिल्कुल दुबई ना आए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साथियों सबसे ज़्यादा जो खर्ची है मोबाइल का है, खर्च जो है मोबाइल का, वाईफाई, नेट, बैलेंस, मीनार, चाबी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मोबाइल के अंदर एंट्री करना होता है, यानी मोबाइल का खर्चा बहुत है। अगर कोई लड़का अगर जो किसी मतलब एक साधारण भाषा में बता दो किसी गर्लफ्रेंड से बात करता है तो सबसे ज़्यादा उसका खर्चा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर भाई एक अगर एक वाईफाई लेते हैं तो अगर कहीं कहीं वाईफाई सस्ता है जहां हम हैं वहां 25 का यानी 25 दराम का है, तो इंडिया का 500 रुपया हो गया एक वाईफाई ले लिया। फिर नेट लोगे तो कम से कम लो मतलब सबसे कम जो स्पीड होता है ना 35 दराम का वो डालना होता है, 35 दराम उसमें पैसा डालो मोबाइल में, फिर 33 का नेट बनाओ तो 150 MB मिलेगा। तो अब सब जोड़ते जाइए आप, 25 दराम ये हो गया, फिर और नेट का हो गया 35 दराम, ठीक। उसके बाद अलग से बैलेंस डालना होता है। बैलेंस की क्यों? कि कहीं नेट ख़त्म हो गया या कभी कभी नेट नहीं काम किया तो बैलेंस से आदमी फ़ोन करता है, तो बैलेंस भी भाई आपको महीना में 20-30 दराम धर लो जो बात करते हैं ज़्यादा। उसके बाद एक मिनट होता है जिसको यहाँ पर डॉलर कार्ड बोलते हैं हम लोग, तो उसमें 1000 मिनट 2000 मिनट का एक एक कार्ड आता है, तो अभी एक 1000 मिनट के कार्ड का 20 दराम है, अभी तो कम हो गया नहीं तो 25 दराम था, ठीक है। उसके बाद एक चाबी होता है यानी VPN जिसको बोलते हैं, उसको अगर व्हाट्सएप से बात करना हो तो उसको ओपन करना होता है, ठीक है ना। वो चालू रहेगा तो फिर आपको व्हाट्सएप से बात होगा फेस टू फेस, जैसे मैं दिख रहा हूँ तो आपको फेस टू फेस बात होएगा, तो उसके लिए पहले 10 दराम लगता था, अभी 5 दराम में भी मिल जाता है, ये हो गया, ठीक है। मतलब इस प्रकार से अगर आपको कम से कम मोबाइल का अगर जो ज़्यादा बात करेंगे ना उनको कम से कम 100 दराम सिंपली हम बता रहे हैं, 100 दराम से कम नहीं लगने वाला है। अब बताइए 100 दराम आपने मोबाइल में खर्च कर दिया, हम आपको कम बता रहे हैं, उसके साथ गुटखा भी खाते हैं, नशा भी लोग करता है तो 500-600 दराम तो ऐसे ही खा जाते हैं, तो परिवार वालों लोग क्या भेजोगे भाई। प्यार मोहब्बत एक मतलब हो जाता है, ये बात सही है कि प्यार मोहब्बत सबके ज़िंदगी में होता है, हो जाता है, लेकिन उसको जहाँ जाए साथ में लेकर जाए ये मुझे लगता है कि गलत है, ठीक है ना। क्योंकि जिसने जन्म दिया इतना बड़ा किया, मुझे लगता है उसको भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। तो भाई वो लोग ना आए जो नशा भी करते हैं, आलातुल गुटखा खाते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट, वो तो हरगिज ना आए, नहीं तो यार सिगरेट पी कर अपना फेफड़ा जला वाला लेंगे, ठीक है ना। तो वो लोग हरगिज ना आए जो नशा करते हैं, जो ये लड़कियों के तितलियों के चक्कर में पड़े रहते हैं, वो लोग हरगिज ना आए, ठीक है। हाँ, नहीं तो यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं आ करके छुट्टी मार दे लो, देखता हूँ बात करने के लिए छुट्टी मारता है लोग, पूछता हूँ यार क्यों नहीं गया, बात कर रहा था, कोई बोलता है कि गर्लफ्रेंड से बात करता, कोई किसी से। मैं बोला यार तुम लोग कमाने आए क्या, बात करने आया, बात करना तो इंडिया में रहना चाहिए था, जाहिर सी बात है।
बात करो तो एक दिन आपको लोग आपकी हैसियत पूछेंगे। आज भी मेरे लोग हैसियत पूछते हैं, हमारे उम्र के लोग। तो 10 साल बाद आपका हैसियत तो पूछेगा, आप कोई नहीं पूछेगा कि आपने कितनी गर्लफ्रेंड रखा है, है ना, वो सब नहीं पूछता है लोग। आपको आपकी हैसियत पूछे जाएंगे कि आपके पास क्या है, बताइए आपके पास क्या है, आपकी क्या हैसियत है। इसीलिए ऐसा मौका आने नहीं दीजिए कोई आपको हैसियत पूछे, ठीक है। तो साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ में और कमेंट करो, ठीक है, कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, फिर मिलते हैं।